माता प्रणाम, मैं मथुरा से आया हूँ, उधो प्रणाम करता। अरे धीरे बोलो, कौन तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से अपने कन्हैया को सुलाया है। अभी वो जाग जाएगा, बहुत परेशान करता है हमें, बहुत। जरा धीरे बोलो। उधो सोचे, अभी तुम उन्हें मथुरा में छोड़ कर आए। बोले मैया दर्शन करा सकती हैं? बोली हाँ हाँ चलो दिखाती हूँ। पलना के पास ले गई, पलना में जब देखी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी बेहोश हो। कुछ देर के बाद होश हुआ, बोली मैं भी कितनी पागल हूँ, बरसों बीत गया वो मुझे छोड़कर मथुरा चला गया। लेकिन उधो ये वही पलना है जिसमें मैं अपने गोविंद को अपने हाथों से सुलाती थी, ये वही आंगन है जिस आंगन में मैंने गोविंद को उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। धूमि धरे अंग सोहत श्याम, तैसी बने सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरहि अंगना, पग पैजनि बाजत पीर कचोटी, वा छबि कोरस खान विलोकत, वानत काम कलो निधि कोटि, काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सुले कयो माखन रोटी। एक दिन लाला बोला, मैंने बेजर की रोटी पर माखन रख दिया, मेरा छोटा सा गोपाल आंगन में ठुमक ठुमक नाचे और रोटी माखन खा। ऊपर से उड़ता हुआ एक कौवा आया, लाला के हाथ से रोटी छीन कर ले गया। अब तो मेरे कन्हैया मचल गए। बोला मैं वही रोटी लाऊंगा, मैं वही रोटी खाऊंगा। चाहे मुझे युद्ध भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन आज मेरा महल सोना है। उधो माता ने बहुत कथा कृष्ण की सुनाई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, उधो के आंखों में आंसू आ गए और बोले माँ मुझे उस बात के लिए क्षमा कर दो, आप लोग वो नहीं हैं जो मैंने सोचा था। मेरे जैसा करोड़ ज्ञानी भी आपके चरणों में चरणों की धूल के कण पर वार दिए जाए तो भी उस कण की बराबरी नहीं कर सकते। आप तो महान हैं। नंद बाबा भी आए, माता जसोदा नंद बाबा ने अकाट प्रमाण दिए, कृष्ण की बड़ी सुंदर लीलाएं सुनाई। रात कब बीत गए उधो को पता ही नहीं चला, और वहां बात कर रहे थे, एक घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा गोविंद।